नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार हो सकता है नया प्रयोग। विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि इस बार के चुनाव में नया प्रयोग होने वाला है, जिसके बाद बिहार में अगले साल पंचायत चुनाव का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। SEC ने भी पंचायती राज विभाग को EVM के माध्यम से चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में तर्क दिया गया है कि EVM से चुनाव में अधिक पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मतगणना विसंगतियों और इसमें धांधली की भी जांच हो सकेगी। यदि EVM के माध्यम से पंचायत चुनाव आयोजित होता है तो त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकायों में 2.58 लाख पदों को भरने के लिए यही पहला इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रयोग होगा। प्रदेश में EVM के माध्यम से चुनाव कराने की अनुमानित लागत 392 करोड़ रुपए होगी। बिहार पुलिस के 6 अफसरों को बनाया जाएगा IPS अधिकारी। बिहार पुलिस खेमे के 6 अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार ऐसे 6 अफसरों को भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त करने का रास्ता साफ हो गया है। प्रोन्नति द्वारा होने वाली इस नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय ने चयन सूची जारी कर दी है। इसमें 8 अफसरों के नाम है, पर 2 को औपबंधिक रूप से इस सूची में रखा गया है। IPS की चयन सूची में शामिल पुलिस अफसरों में राज्यपाल के ADC राकेश कुमार दुबे भी है। इनके अलावा संजय भारती, SDPO फुलवारी शरीफ, पटना ASP चंद्रशेखर प्रसाद विद्यार्थी, कटिहार ASP हरिमोहन शुक्ला, शीला ईरानी अपर आयुक्त पटना नगर निगम और सहरसा ASP बलराम चौधरी का IPS बनना तय माना जा रहा है। प्रोन्नति के बाद इन अधिकारियों को साल 2013 बैच मिलने की संभावना है। यूपी बिहार में सस्ता हुआ कोरोना का RT-PCR टेस्ट। बिहार में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि बिहार में चुनाव और पर्व त्योहार के बाद मामलों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद फिलहाल मामलों में कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यूपी बिहार में कोरोना प्रभावितों की पहचान के लिए करवाए जा रहे जांच को सस्ता कर दिया गया है। दोनों राज्यों के निजी लैब और निजी अस्पतालों में अब पहले के मुकाबले करीब आधी कीमत देनी होगी। बिहार के नीतीश सरकार ने निजी लैब में कोरोना के RT-PCR टेस्ट का रेट 800 तय किया है। यहां पहले 1500 रुपए में RT-PCR टेस्ट होते थे। अगर घर से सैंपल देना चाहते हैं तो 300 अतिरिक्त देना होगा, यानी घर से सैंपलिंग कराने पर टेस्ट का खर्च 1100 रुपए होगा। बिहार जुडिशियल मजिस्ट्रेट PT परीक्षा टालने की याचिका हाईकोर्ट में हुई खारिज। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भर्ती परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसके बाद अब यह परीक्षा अपने निर्धारित समय पर ही होने वाली है। कोरोना को लेकर इस परीक्षा को टालने के लिए दायर लोकहित याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह परीक्षा 6 दिसंबर को होने वाली है। न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने ख्याति सिन्हा और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया है। राजगीर के नए रोपवे की फरवरी से पहले होगी शुरुआत। राजगीर पर्यटकों के लिए बेहद ही रमणीय स्थान होता है। वहीं हर साल राजगीर घूमने आने वालों की लंबी कतार भी देखने को मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब रोपवे के काम को जल्द से जल्द पूरा करने की कवायद शुरू हो गई है। इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बीते दिन राजगीर में बन रहे नए रोपवे के अलावा घोरा कटोरा और वेणुवन के सौंदर्यकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को बेहतर तरीके से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि फरवरी के पहले इस रोपवे को चालू कर दिया जाए। लॉकडाउन में बंद पड़े महाबोधि मंदिर में लौटी श्रद्धालुओं की रौनक। कोरोना के कारण सभी धार्मिक स्थलों पर ताला लग गया था। हालांकि अब धीरे धीरे करके सभी धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए खोला जा रहा है। कोरोना को लेकर जारी किए गए गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ही मंदिर परिसर को खोला गया है, जिसके बाद यह मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुली रहेगी। इसके साथ ही 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक इसे खोला जाएगा। इस वजह से ही बौद्ध श्रद्धालुओं के साथ ही आम पर्यटकों की आवाजाही में इजाफा देखने को मिला है, जिसके बाद बौद्ध भिक्षु मंदिर परिसर एवं बोधि वृक्ष के छांव में ध्यान लगा रहे हैं। वहीं बिहार एवं अन्य राज्यों के भी आम पर्यटक भी मंदिर भ्रमण के लिए आ रहे हैं। कृषि बिल के विरोध में अनोखे अंदाज में राजद कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। देश भर में हाल ही में पेश हुए कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। कृषि कानून के खिलाफ प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस में राजद भी सक्रिय भूमिका में नजर आ रही है। बिहार के हाजीपुर में सुबह से ही राजद कार्यकर्ता और नेता कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन करते कार्यकर्ता सुबह सुबह ही सड़कों पर उतर गए थे और सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हुए सड़क को ही जाम कर दिया। इसके साथ ही हाजीपुर के भगवानपुर NH-22 पर पार्टी कार्यकर्ता किसानों द्वारा उगाए गए फसल गेहूं, गोभी और मूली को सड़क पर फेंक कर विरोध करते देखे गए। NDA प्रत्याशी सुशील मोदी ने भरा अपना नामांकन। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर अब चुनाव का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर आज सुशील मोदी ने नामांकन भर दिया है। हालांकि पहले इस सीट पर लोजपा की तरफ से ही किसी को उम्मीदवार
उम्मीदवार बनाने की उम्मीद जताई जा रही थी, मगर भाजपा ने इस सीट को इस बार अपने पास रखते हुए सुशील मोदी को राज्यसभा पहुंचाने का फैसला लिया है, जिसके बाद आज पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपना नामांकन भर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सुशील मोदी के साथ नामांकन भरने के दौरान पटना आयुक्त कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी सहित सरकार के अन्य मंत्री मौजूद रहे। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे राजीव कुमार और जेपी नड्डा की। जगत प्रकाश नड्डा का जन्म आज ही के दिन साल 1960 को हुआ था। जगत प्रकाश नड्डा एक भारतीय राजनीतिज्ञ और जून 2019 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वे पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य और संसदीय बोर्ड के सचिव भी रहे हैं। वहीं बिहार के राजीव कुमार का जन्म आज ही के दिन बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। राजीव कुमार एक भारतीय पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर हैं जिन्होंने बिहार और झारखंड के लिए खेला। वो वर्तमान में झारखंड के मुख्य कोच के रूप में काम करते हैं। माले ने किसान आंदोलन के पूरे देश में फैलने की कही बात। वर्तमान समय में किसान बिल को लेकर देश के कई हिस्सों में किसानों ने विरोध का रास्ता चुना है। वहीं किसानों के इस विरोध को कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला है, जिसमें बिहार की राजद और माले शामिल है। बीते दिन भाकपा माले की राज्य स्थायी समिति की बैठक में धीरेन्द्र झा ने कहा है कि किसान आंदोलन अब पूरे देश में फैल रहा है। अब पार्टी और किसान संगठन बिहार में इन तीनों काले कानूनों की असलियत से किसानों को अवगत कराएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता गलत बयानी करके किसानों को ठगने में कामयाब नहीं हो सकते। वहीं बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की गारंटी के सवाल पर माले और किसान महासभा मिलकर गांव के स्तर पर आंदोलन करेंगे और धान खरीद के लिए सरकार को मजबूर कर देंगे। उन्होंने कहा कि 3-4 दिसंबर को माले केंद्रीय कमेटी की बैठक पटना में होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बिहार दौरे पर कांग्रेस ने नीतीश को दी दो टूक नसीहत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 4 दिसंबर को बिहार के दौरे पर आने वाले हैं, जिसके बाद वो बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। वहीं उनके इस आगमन को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दो टूक नसीहत दी है, जिसके तहत कांग्रेस के वरीय नेता और एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि बिहार में आरएसएस अपने हिडन एजेंडा पर काम तेज करने वाली है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का दौरा उसी कड़ी का हिस्सा है। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार में राजनीतिक रूप से हाशिए पर लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में नीतीश कुमार का दायित्व है कि संघ प्रमुख के बिहार दौरे पर नजर रखे। मिश्रा ने कहा कि बिहार और बंगाल भाजपा के टारगेट में है और यह दौरा भी उसी का हिस्सा है। भाजपा सांसद और अभिनेता सनी देओल हुए कोरोना पॉजिटिव। बॉलीवुड के कई सितारे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर और गुरदासपुर से सांसद सनी देओल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने सनी देओल के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि की है। स्वास्थ्य सचिव ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को कुल्लू चीफ मेडिकल ऑफिसर से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि सनी देओल और उनके कुछ दोस्त मुंबई के लिए रवाना होने का प्लान बना रहे थे। इसी बीच मंगलवार को एक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। पीटीआई के अनुसार सनी देओल ने हाल ही में मुंबई में अपने कंधे की सर्जरी करवाई थी। टी नटराजन को विराट कोहली ने थमाई ओडीआई की क्या। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच आज कैनबरा में खेला जा रहा है। मैच से कुछ समय पहले ही कप्तान कोहली ने यॉर्कर स्पेशलिस्ट टी नटराजन को वनडे कैप थमाया है। टी नटराजन को सीरीज से एक दिन पहले ही वनडे इंटरनेशनल टीम में शामिल किया गया था। टी नटराजन ने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में सनराइजर हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित था। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 94 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 36,600 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 94,99,413 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 501 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,38,122 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है। जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं आपको बता दें भारत में अब तक कुल मिलाकर 89,32,647 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में 4,28,644 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार में आरटीपीसीआर जांच की कीमतों में कटौती के फैसले से जांच की संख्या में बढ़ोतरी होगी या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।